ये तुम्हारा नया जन्म है, अब अपना पूर्वांश भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म चींटियों के घर वाल्मीकि के अंदर से हुआ है। तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा, आज से तुम इसी नाम से जाने जाओगे, महर्षि वाल्मीकि। सभी मनुष्य में सबसे पवित्र कौन है? जो सदा सत्य बोलता है, शांत है, ऐसा कौन है? जो सबका हित चाहता है, जिससे सारे प्रेम करते हैं, ऐसा कौन है? जिसकी वाणी तथा कृति में कोई अंतर नहीं, जैसा बोलता है वैसा ही उसका आचरण होता है। जो पृथ्वी पर ही नहीं पर देवलोक में भी प्रिय है, बताइए मुनिवर ऐसा कौन है? ऐसा एक ही मनुष्य पृथ्वी पर है और वो है प्रभु श्री रामचंद्र। क्या आप कृपा करके प्रभु श्री रामचंद्र की कथा सुनाएंगे? और फिर नारद मुनि ने वाल्मीकि को श्री राम की संपूर्ण कथा सुनाई। एक दिन ब्रह्मदेव ने महर्षि वाल्मीकि को दर्शन दिए। ब्रह्मदेव, साक्षात ब्रह्मदेव, आप? वाल्मीकि, नारद ने तुम्हें राम की कथा सुनाई है, अब तुम उसी कथा को अनुष्टुप छंद में लिखो। और तभी महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार संपूर्ण रामायण लिखने बैठे। महर्षि वाल्मीकि हुए आदि कवि और संपूर्ण रामायण बना आदि काव्य।